Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Molly and in this video I will be sharing with you things which you must keep in your mind in order to prepare for your English language class 12th boards. हमें normal rules already पता है, हमें normal format भी पता है, but we need to keep in mind some of these most important things which I'm going to share in today's video. So basically मेरा कुछ ऐसा plan नहीं था video बनाने का, but our teacher sent us some of मतलब कुछ उन्होंने बहुत सारे important rules और mistakes हमें बताई जो हम करते हैं, but हमें कभी पता नहीं रहती. So I decided to share it with you. First let's come to the composition writing. अब कॉम्पोजिशन राइटिंग में आपको मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि डिस्क्रिप्टिव नरेटिव का बेटर ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू स्टोरी राइटिंग एंड जो भी अगेंस्ट और फॉर वाला होता है. बट हाँ, अगर आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हो. बट लेट्स जस्ट कम टू द फर्स्ट पॉइंट. राइट द क्वेश्चन नंबर एंड सब पार्ट. आपको क्वेश्चन नंबर भी लिखना है इससे का और आपको सब पार्ट भी लिखना है. और अगर आपने नहीं लिखा, इफ़ यू फेल टू डू सो, आपके सीधे 5 marks डिडक्ट हो जाएंगे. नहीं पता था ना आपको ये? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. अडेयर टू द वर्ड लिमिट, राइट इन पैराग्राफ्स. देखो हमारी ऐसे की वर्ड लिमिट होती है 450 वर्ड्स की. तो आपको ट्राई करना है, आपको एकदम प्रीसाइज ऐसे लिखना है, नहीं ज़्यादा लंबा ऐसे लिखना, नहीं ज़्यादा छोटा ऐसे लिखना है. एंड यू हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट्स, दैट इज़ 400 to 450 वर्ड्स. एंड आपकी 4 to 5 पैराज इसमें फिट हो सकते हैं. नेक्स्ट, डो नॉट यूज contracted words such as don't, couldn't, etc. Do not write short form such as and के लिए short form नहीं होती ऐसी वाली, तो वो use नहीं करना आपको, and etc. अब देखो, पता है आपको, पहला आप ऐसे में कितने बार couldn't, wouldn't, don't use करते हो. तो आपको couldn't, wouldn't, don't नहीं लिखना, आपको could not, would not, do not, आपको full form लिखना है rather than the contracted forms. And if we come to the short form जो कि आप लिखते ही हो, and के लिए आप and ऐसा वाला बना देते हो, ठीक है, और बाकी etc. आप etc. लिखते तो उसकी भी full form आपको लिखनी है. Now stress on correct spellings and correct punctuation marks are the right places. मतलब spellings तो हमें पता ही रहती है कब कहाँ कैसे use करनी है. मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, तो इसमें बेसिकली इन्होंने ये बता रखा है कि देखो स्पेलिंग्स तो हम कर देते हैं ठीक, ठीक है, मोस्ट ऑफ अस हमारी स्पेलिंग्स ठीक रहती है, ISC वाले बच्चों की और CBSE वाले बच्चों की भी ऑब्वियसली. बट हमारा ये है कि पंक्चुएशन मार्क्स हम कभी कभी भूल जाते हैं डालना, और हम कभी कभी एक्सक्लेमेशन की जगह जल्दीबाजी में क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं. तो इसको भी ध्यान रखना, ये नॉर्मल सा पॉइंट था एक, ठीक है. डो नॉट मिक्स टेंसेज. अब हमें पता है मैंने स्टार्ट करा ऐसे प्रेजेंट टेंस से या फिर पास्ट टेंस से, और मैं धीरे धीरे आ गई फ्यूचर टेंस पे. मतलब हाँ, अगर आपको कुछ फ्यूचर डिस्क्राइब करना है आप अलग से फ्यूचर टेंस यूज़ कर सकते हो. बट इन केस अगर आपको आपने ऐसे स्टार्ट करा है प्रेजेंट टेंस और आपने धीरे धीरे पास्ट पे ला गए हो, तो मतलब ये मिक्सिंग ऑफ टेंसेज हो जाएगा एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड एडवाइजेबल एज वेल. इफ़ यू चूज एन आर्गुमेंटेटिव टॉपिक बेस्ड कॉम्पोजिशन ऑन एटलीस्ट 6 major points, स्टिक टू द स्टैंड टेकन इधर फॉर और अगेंस्ट. तो आपको मतलब 6 major points तो प्रूव करने पड़ेंगे कि क्यों आप फॉर या अगेंस्ट है. एंड आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या होता है, हमें सिर्फ एक स्टैंड लेना है. ऐसा नहीं कि आपने पहले फॉर लिया और लास्ट में आप अगेंस्ट हो गए. ये भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है. बात बात की जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो देखना. एंड स्लैंग्स मस्ट नॉट बी यूज्ड. स्लैंग्स आजकल बहुत सारे हम सब यूज़ करते ही हैं डेली लाइफ में, हमारी टाइप की एक हैबिट भी बन चुकी है. सो ट्राई नॉट टू यूज़ वर्ड्स लाइक गोना, आई एम गोना डू इट, या फिर गाय, मॉम, डैड, मदर लिखो, फादर लिखो, ठीक है. इफ़ यू अटेम्प्ट स्टोरी राइटिंग गिव द टाइटल. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैंने अपने मतलब जब मैं कौन से शायद से मैंने प्री बोर्ड्स में, इस वाले प्री बोर्ड्स में, 10th के प्री बोर्ड्स में स्टोरी राइटिंग आती थी, मैं हर बार उसका टाइटल लिखना भूल जाती थी. सो इसमें क्या बता रखा है कि जब भी आप स्टोरी राइटिंग अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको एक टाइटल, सूटेबल टाइटल देना है. अगर आप नहीं दोगे आपके नंबर ऑब्वियसली कट जाएंगे. इंक्लूड डायलॉग एंड कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन इन योर स्टोरी लाइन एंड मेक श्योर दैट आप डायलॉग्स यूज़ कर रहे हो एंड आप जो बता रखा है इसमें कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन भी अपनी स्टोरी लाइन में यूज़ कर रहे हो. एंड नरेटिव ऐसे में पता क्या होता है, आप ना अगर एक दो डायलॉग ठीक है, बट अगर उससे ज़्यादा डायलॉग्स हो जाएंगे सो काइंड ऑफ ए स्टोरी बन जाएगी. सो अवॉइड डायरेक्ट स्पीच इन नरेटिव ऐसे.
नेक्स्ट बी एज अप्रोप्रिएट राइट एज अ 17 ईयर ओल्ड, मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं है, अपने व्यूज़ आपको देने हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने मतलब एक 17 ईयर ओल्ड की लिमिट होती है ना कि जिस हिसाब से एक 17 ईयर ओल्ड लिखता है तो उसी हिसाब से आप लिखना, अपनी एज लिमिट ब्रेक करके मैं चले आना आगे. राइट सेंटेंसेज विद एज सून, हार्डली, नो सून, नॉट ओनली बट ऑल्सो टू इन्हांस योर कॉम्पोजिशन. अब देखो कॉम्पोजिशन में हम सब, मतलब 99% ऑफ अस माइट नॉट बी यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज इन अ कॉम्पोजिशन. भाई हमारा कॉम्पोजिशन हमारे आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए भी है, बट मोर देन दैट हमारी ग्रामर पार्ट कैसी है. तो अगर जितना आप ग्रामर पार्ट इंक्लूड कर सकते हो अपने ऐसे में, आपको इंक्लूड करना है. नेक्स्ट, रीड योर कॉम्पोजिशन केयरफुली टू एलिमिनेट ऑल द पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स. अब देखो पहले तो हम ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं रिवाइज करना, ठीक ही तो लिखा होगा, लेकिन जब मैं खुद अपने ऐसे के वापस से मतलब उसको पढ़ती हूँ तो मेरे को बहुत सारे कभी कभी या तो स्पेलिंग एरर दिख जाएंगे या फिर मैंने एक वर्ड छोड़ दिया है, तो इसलिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ लेट्स कम टू रिपोर्ट राइटिंग या फिर डायरेक्टेड राइटिंग भी कह सकते हैं. फॉलो द फॉर्मेट, जो आपके स्कूल ने आपको फॉर्मेट दे रखा है उसी को फॉलो करिए. सेकेंड, अडेयर टू द वर्ड लिमिट, मतलब वर्ड लिमिट हमारी 300 वर्ड्स की है तो आपको करेक्ट 300 वर्ड्स लिखने हैं. राइट इन पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स आपके हो गए 3 to 5 पैराग्राफ्स, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है मेंशन इलाबोरेट ऑन ऑल द पॉइंट्स गिवन, मेकिंग श्योर दैट यू डू नॉट लीव आउट एनी पॉइंट. अच्छा जब भी पता है तुम क्वेश्चन को देखोगे ना, सबसे पहले तुम 1, 2, 3 मार्क कर दिया करो क्वेश्चन पेपर में, ताकि तुम सारे पॉइंट्स ऐड कर दो जो तुमसे पूछे गए हैं क्वेश्चन में. इससे मतलब काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है, जब भी मैं कुछ भी लिखती हूँ ना अपने आंसर शीट के टॉप में लिख देती हूँ क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं, बीट इन आंसर राइटिंग या फिर ये जो सारा हमारा रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है. नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली फॉलो द ऑर्डर ऑफ द की पॉइंट्स गिवन इन द क्वेश्चन बाय इलैबोरेटिंग देम, सेम एज दैट जो मैंने आपको बताया. नाउ लेट्स कम टू प्रपोजल राइटिंग. अच्छा प्रपोजल राइटिंग में मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी, तो वो पुराने फॉर्मेट के हिसाब से थी, नया फॉर्मेट कुछ दिनों बाद उसके रिलीज हो गया था, तब मैंने कभी बनाई नहीं वीडियो, मुझे टाइम नहीं मिला सच, बट उसमें आपको बता देती हूँ. इसमें हमारा जैसे एक मिनट आपको मैं बता देती हूँ, जस्ट ए मिनट. हाँ, सो बेसिकली हमारा प्रपोजल कुछ ऐसा होता है, अब प्रपोजल टू सेटअप डैश डैश है, आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो यू हैव टू लीव वन लाइन. अब हमारी हेडिंग 1 होती है जिसमें आपको लिखना पड़ता है कि वी प्रपोज टू ये, तो बेसिकली इसमें आपके 2 points ऐड होते हैं एंड ये 2 marks के होते हैं. इसमें आपको बताना होता है कि आप क्यों सेटअप करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना कि यहाँ पर आपको यूज़ करने हैं इमीडिएट वाई. इमीडिएट वाई में एग्जाम्पल मेनली आता है कि इंटरैक्शन या फिर हमारा एक्सपीरियंस, ये सब इस इन सब के रिलेशन में है ये. देन यू हैव टू लीव इन राइन ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, द फॉलोइंग आर दी ऑब्जेक्टिव्स. इसमें भी 2 points होते हैं, आपको 2 marks ही मिलते हैं. एंड अच्छा हाँ ओके ओके, सो अब क्या है, पहले ऐसा था कि आपको पॉइंट्स में लिखना पड़ता था ऑब्जेक्टिव, बट अब आपको पैराग्राफ्स बनाकर लिखना पड़ते हैं. यू हैव टू मेक अ कम्प्लीट पैराग्राफ. सो इसमें अब आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, द फॉलोइंग आर दी ऑब्जेक्टिव्स, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं बिकॉज अब हमारा पैरा फॉर्मेट में आ गया है. सो आपको इस वाले में शॉर्ट टर्म वाई, इसमें आपको इमीडिएट वाई नहीं लिखना, आपको लॉन्ग टर्म वाई लिखना है. समझ लो कोई सा भी इवेंट हो गया, ड्रामेटिक्स क्लब हो गया, अब उसमें आपके लॉन्ग टर्म वाई क्या क्या हो सकते हैं, बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवरऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग अ न्यू स्किल जो कि आगे जाके काम आए, ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म वाइज में आते हैं. देन आपको बाकी फॉर्मेट सेम ही रहता है, यू हैव टू लीव इन लाइन, राइट द लिस्ट ऑफ मेजर्स, में आपको 4 points इंक्लूड करने पड़ते हैं, वेयर व्हेन हु व्हाट, और लास्ट में अगर आपका बजटरी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में सेपरेटली आपको बता रखा है कि आपका बजट इतना है या बजटरी क्वेश्चन है ये, तो लास्ट में आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं रिगार्डिंग द बजट. सपोज आपको बोल दिया स्पोर्ट्स डे आप ऑर्गेनाइज करा रही, वेयर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स डे फॉर दी ऑर्फन ऑर्फन कौन से वाले चिल्ड्रेन, जो भी चिल्ड्रेन है, ठीक है, कौन से स्कूल के, हाँ सपोज चिल्ड्रन ऑफ द रूरल एरियाज, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फॉर ऑर्फन स्टूडेंट्स ही बोल सकते हैं. एंड एट द लास्ट यू हैव टू लीव इन लाइन, वी होप दैट अ प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड, सो दैट डैश डैश, देन यू हैव टू लीव इन लाइन, राइट योर नेम, डेजिग्नेशन, एंड लास्ट में आपको डेट भी इंक्लूड करनी है, पक्का करके आना है. क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रपोजल्स में डेट नहीं लिखी थी, क्योंकि उस टाइम हमारी मैम ने शायद हमें फॉर्मेट में लिखवाया नहीं था, बट बाद में जब अपने प्री बोर्ड के पेपर्स देखे मेरे नंबर कटे थे जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट ऐड द डेट इन दैट. नेक्स्ट, हाँ तो प्रपोजल राइटिंग में यू हैव टू रीड द फॉर्मेट केयरफुली, रेफर टू द फॉर्मेट, एन एग्जाम्पल जो आपको दे रखा है. ग्रामर इन ट्रांसफॉर्मेशंस बी श्योर टू एंड द सेंटेंस विद द पंक्चुएशन मार्क, जैसे कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सप्लेनेशन. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम बहुत बार अपने पंक्चुएशन मार्क्स भूल जाते हैं इंसर्ट करना, सो यू हैव टू डू दैट.
डू नॉट गिव टू ऑप्शन फॉर एनी सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब, टेंसर वर्ब. अब देखो पता है मेरा मतलब एक बार हमारी मैम ने बताया भी था हमें कि अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए और तुम्हें लगे इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों मत लिख के आना, चाहे दोनों तुम्हारे करेक्ट हो तब भी तुम्हारा रॉन्ग कंसिडर करा जाएगा. तो मैं इतनी मान, मेरे प्री बोर्ड पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में एक क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं है, बट उसमें मैंने बोला अरे इसके तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो मैं दोनों और लिख के आ गई, या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है. मेरा मानना तो ये, मतलब मेरे हिसाब से तो ये था कि दोनों आंसर करेक्ट है, बट क्योंकि मैम ने उस टाइम बोला था कि तुम्हें सिर्फ एक आंसर लिखना है चाहे दोनों आंसर भी ठीक हो, इसलिए मेरे नंबर कट गए थे जबकि दोनों सही थे. सो नेक्स्ट क्लास इज कॉम्प्रीहेंशन. अब देखो कॉम्प्रीहेंशन आप सोचते हो कि आसान है, कर लेंगे, क्वेश्चन आते हैं वहीं कॉम्प्रीहेंशन से देख लेंगे और लिख देंगे, बट यू डोंट हैव टू डू दैट. आपको क्या करना है, आपको आंसर लिखने हैं इन योर ओन वर्ड्स. मतलब जैसे ना आप जिस कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना अच्छे से, उसके बाद सारा वही कॉपी मत करके आ जाना आंसर में, आप खुद के वर्ड्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं. नेक्स्ट, प्रेसी शुड बी रिटन इन योर वर्ड्स, बी केयरफुल टू पंक्चुएट इट करेक्टली. तो प्रेसी में आपको एक और चीज़ याद रखनी, यू हैव टू मेक अ रफ प्रेसी एज वेल एज अ फेयर प्रेसी. एंड रिमेंबर, पता है मैंने कभी भी नोटिस नहीं करा, ये जस्ट मैंने अपने प्री बोर्ड वन और प्री बोर्ड टू पेपर्स में नोटिस करा कि हमें क्या करना पड़ता है. जैसे हमारे 100 वर्ड्स की लिमिट होती है प्रेसी में, सो यू हैव टू मेक 5 कॉलम्स एंड 20 रोज, जिसमें से आपको नंबरिंग भी करनी पड़ती है, एंड लास्ट में टोटल वर्ड्स ऑफ 520 इक्वल्स टू 100 वर्ड्स भी लिख के आना. मतलब काउंटिंग दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे को कोई पता नहीं था. जब मैंने अपने पेपर देखे उसके भी अलग से मेरे नंबर कटे थे, तब मेरे को पता चला अच्छा प्रेसी में काउंटिंग भी करनी पड़ती है. आपको पता होगा पर मेरे को सब नहीं पता था. मेक अ प्रॉपर ग्रिड बोर्ड रफ एंड फेयर प्रेसी विद अ पेंसिल. सो या दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू. हाँ, ये सिंपल चीज़ें ज़रूर थी, बट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि देखो हम कभी कभी भूल जाते हैं सारे पॉइंट्स. अभी तो हमें सुनने में लग रहा है कि हाँ हाँ हमें तो पता है, बट जब हम पेपर करते हैं हम इतने ज़्यादा, हमारा माइंड इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है उस टाइम, वी आर इन अ काइंड ऑफ प्रेशर कि हम पेपर जल्दी जल्दी करना है, बस टाइम खत्म ना हो जाए, तो हम उसमें ना जल्दी जल्दी भूल जाते हैं. एंड मैं आपको प्रेफर करूँगी कि पहले ग्रामर पार अटैम्प्ट करना, उसके बाद ही आप कॉम्प्रीहेंशन, प्रपोजल जो भी है, रिपोर्टेड राइटिंग और लास्ट में ऐसे. पता है क्यों? ग्रामर पार्ट, क्योंकि प्री बोर्ड वन में टाइम बहुत कम बचा था, पता नहीं कैसे मैं तो जल्दी ही लिख रही थी, बट टाइम बहुत कम था एंड उस टाइम मैंने ग्रामर पार्ट लास्ट पे छोड़ा था. और जब मैंने लास्ट में ग्रामर पार्ट करा, मेरे को बहुत कन्फ्यूजन लग गई, बिकॉज ऑलरेडी हमारे 10 to 15 मिनट्स बचे थे, मेरे को रिवाइज भी करना था. तो अब ग्रामर पार्ट में थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है, मतलब आंसर सोचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट उस टाइम टाइम नहीं था तो मैंने जल्दीबाजी में कुछ भी आंसर लिख दिया. तो आई प्रेफर दैट आप इंग्लिश लैंग्वेज का जो ग्रामर वाला पार्ट होता है वो पहले करो, क्योंकि आप आराम से टाइम लिए करोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा. एंड उसके बाद लास्ट में ऐसे में आओ, ऐसे में आप अपनी इमेजिनरी स्किल्स होती है, आप कुछ भी उसमें इंसर्ट कर सकते हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ख़त्म होने में. सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो, एंड ऑल्सो आई विल बी कमिंग लाइव फॉर क्लास 12 ISC ऑन कब, आज क्या है, हाँ ऑन 11th, एंड देन 12th मैं इंग्लिश लिटरेचर का लाइव आ जाऊँगी, क्योंकि मेरा इंग्लिश लिटरेचर मैंने कर लिया है अच्छे से रिवाइज. आई जस्ट हैव टू राइट नाउ डू सम प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. बस मुझे ऐसा लगा आई नीड टू शेयर दिस थिंग विद यू, सो आई मेड अ वीडियो ऑन इट. दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट अपडेट. बाय.